हेलो फ्रेंड्स, शिल्पा किचन में मैं शिल्पा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन पहाड़ी कबाब। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 कप के करीब धनिया और 1/2 कप पुदीना के पत्ते। अब डालना है लहसुन की कलियाँ 8 से 10। अब डालना है हरी मिर्च, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम तीखा या ज़्यादा तीखा कर सकते हो। डालेंगे उसके बाद अदरक, बस अब इसे हमें बारीक पीस लेना है। बस 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे। देखिए अब ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, ये पेस्ट रेडी है। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम स्पूनलेस चिकन लिया है, बस ये पेस्ट अभी इसमें ऐड करना है। ग्रीन पेस्ट ही यहाँ पे सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, तो इसे 3 से 4 चम्मच डालना है। अब डालना है दही, यहाँ पे मैंने 100 ग्राम दही लिया है, आप हंकर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब जाएगा भुना हुआ बेसन, इससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। और भुनी हुई कसूरी मेथी, इसे भून कर सिर्फ क्रश करना है। अब जाएगा गरम मसाला 1/2 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच। अब यहाँ पे मैंने चुटकी भर ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो, पर इससे बहुत अच्छा कलर आता है। अब डाला है स्वाद अनुसार नमक, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसे 1 से 2 घंटे तक फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब ये चिकन पहाड़ी कबाब ओवन में बनाने के लिए यहाँ पे मैंने स्क्यूअर्स का या फिर सरिये का इस्तेमाल किया है। तो 1 घंटे के बाद चिकन मैरिनेट हो चुका है, अब ये हम सरिये को लगा लेंगे। बहुत ही सावधानी से चिकन को स्क्यूअर्स में ऐड करते जाना है। इसी तरह हम बाकी के भी स्क्यूअर्स को चिकन लगा लेते हैं। ओवन को 220 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रख देंगे। देखिए अब ये पहाड़ी कबाब कुक होने के लिए रेडी है। तो अब हम इसे बहुत ही सावधानी से ओवन में रख देंगे। अब यहाँ पे टेम्परेचर रखेंगे 220 डिग्री सेल्सियस और टाइमर रखेंगे 10 मिनट के लिए। दस मिनट के बाद कबाब को हम पलट देंगे और फिर 10 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। देखिए 20 मिनट्स में चिकन 80% कुक हो चुका है। अब हमें इसे घी से ग्रीस करना है, आप घी की जगह मेल्टेड बटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। घी या बटर लगाने से कबाब को बहुत ही अच्छा कलर और स्वाद आता है। घी लगाने के बाद
कबाब को हम और 5 मिनट पकाएंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। देखिए 5 मिनट के बाद चिकन पहाड़ी कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी है, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए।